भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया की पकड़ मैच में मजबूत दिखाई पड़ रही है। दूसरी पारी में भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 151 रन बोर्ड पर लगा चुकी है। इससे पहले पहली पारी में पुजारा के बेहतरीन शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 250 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 235 पर सिमट गया। बड़ी बात यह है कि 235 पर सिमटने के बाद जब भारत दूसरी पारी के लिए उतरा तो उन्होंने 150 रन पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से बनाए और 3 विकेट खाली भारत के गिरे हैं। अगर यहां से भारत 100 रन और बनाता है तो भारत की पकड़ मैच में मजबूत हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि चौथे दिन के खेल शुरू होने से पहले और तीसरे दिन के खेल के बाद टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बड़ा बयान दिया। जी हाँ, खबरों की माने तो बुमराह ने कहा कि हम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से ऊपर हैं। गेंदबाजी, बल्लेबाजी या फील्डिंग किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, अब तक हुए 3 दिन के खेलों में हमारा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बेहतर रहा है। और चौथी पारी में जिस अगर लायन को विकेट मिल रहा है तो चौथी पारी में अश्विन को भी विकेट मिलेगा, यानी कि कुछ भी कर ले जीत हमारी है। देखना दिलचस्प होगा कि बुमराह का यह बयान क्या टीम इंडिया को जीत दिला पाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।